हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक जैसे मिलकर करके पॉपुलेशन बनाते हैं और ये पॉपुलेशन आपस में इंटरैक्ट भी करते हैं यही तो पढ़ेंगे इन ऑर्गेनिजम्स एंड और पॉपुलेशन हेलो एवरीवन मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी ऑर्गेनिजम्स एंड और पॉपुलेशन का वन शॉर्ट वीडियो हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और हमेशा की तरह सिर्फ इस एक वीडियो को देख करके आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लानो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ एब्सुल्यूटली फॉर फ्री ओनली एट लानो डॉट कॉम सो तैयार है सभी लोग लेट्स गेट स्टार्टेड ऑर्गेनिज्म जैसे ही इस वर्ड को हम सोचते हैं तो ह्यूमंस, एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं ऑन अर्थ ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट तो करते ही हैं साथ ही साथ ये अपने फिजिकल एनवायरमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं इनफैक्ट स्टडी का वो ब्रांच जो ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन विद ईच अदर एज वेल एज विद द फिजिकल एन्वायरमेंट स्टडी करता है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी तो चलो बच्चों अब देखते हैं इकोलॉजी को एट डिफरेंट लेवल्स तो सबसे पहला लेवल है ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म बोले तो एक एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल चाहे वो प्लांट हो या फिर एक इंडिविजुअल एनिमल हो चाहे वो एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर एक इंडिविजुअल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सो दैट्स एन ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैं मैं एक इंडिविजुअल हूं सो आई एम एन ऑर्गेनिज्म राइट अगला लेवल आता है पॉपुलेशन पॉपुलेशन बोले तो जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे रह रहे हैं दे कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं इस बंदर की बात करूं तो ये बंदर एक अकेला इंडिविजुअल है सो दिस इज एन ऑर्गेनिज्म लेकिन जब ऐसे ही ढेर सारे बंदर हैं विच बिलोंग टू द सेम स्पीशीज पॉपुलेशन की बात हम जब भी कहते हैं तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीजर टाइम पे रह रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल हूं अब मेरे जैसे और ऑर्गेनिजम्स मेरे जैसे जो मेरे स्पीशीज को बिलोंग करते हैं यानी कि जो ह्यूमस हैं जो होमोसेपियो है, तो ऐसे और ऑर्गेनिज्म जो इंडिया में रहते हैं अभी के टाइम पे मतलब एट अ अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया इन टाइम सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं दैट मेक्स द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया राइट अब देखते हैं इकोलॉजी का अगला लेवल दैट इज थर्ड लेवल व्हिच इज कम्युनिटी कम्युनिटी बोले तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मतलब हर एक स्पीशीज का एक एक पॉपुलेशन है और ऐसे कई सारे पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे रह रहा हो वो बनाता है एक कम्युनिटी जैसे अगर मैं उन्हीं बंदरों का एग्जाम्पल फिर से लूँ मान लो कि ये जो बंदरों का जो पॉपुलेशन है ये एक फॉरेस्ट में रहते हैं अब इसी फॉरेस्ट में और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन है मे बी एलिफेंट्स भी रहते हैं मे बी वहाँ पर टाइगर्स भी रहते हैं वहाँ पर फॉक्सिस भी रहते हैं राइट तो अब ये सारे पॉपुलेशन साथ में मिल के इस फॉरेस्ट में रहते हैं so this makes up a community, जो कि का है, बोले तो हम अर्थ के लार्जर मतलब पे पहुंच गए पहले ऑर्गेनिज्म हुआ फिर पॉपुलेशन हुआ फिर कम्युनिटी हुआ जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जब हम बायोम की बात करें तो हम हैं अर्थ के लार्जर एरियाज जहां पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स एनिमल्स रहते हो, जहां पर एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाइमेट हो उसे हम कहते हैं बायोम तो इकोलॉजी के बच्चों ये चार लेवल्स होते हैं आज के इस वीडियो में बेसिकली इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे चीज को ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन इसी लिमिट में हम इस पूरे लेसन को कवर करेंगे तो चलो अस टेक अ क्विक लुक एट ऑर्गेनिजम्स वर्सेस पॉपुलेशन तो जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं दूसरी तरफ जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जब ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम बर्थ्स और डेथ्स की बात करते हैं बिकॉज एक इंडिविजुअल का बर्थ होता है एक इंडिविजुअल का डेथ होता है लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं बच्चों तो वहां पर हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं राइट तो एक पॉपुलेशन का हम बर्थ या डेथ की बात तो नहीं कर सकते एक पॉपुलेशन का हम क्या बात कर सकते हैं पॉपुलेशन के बारे में हम बात करते हैं अबाउट बर्थ रेट एंड डेथ रेट राइट

डिटेल में देखेंगे जैसे कि सेक्स रेशियो जैसे कि एज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि बर्थ रेट और डेथ रेट बर्थ रेट बोले तो किस रेट से बर्थ हो रहा है अब किसी पॉपुलेशन में अगर बर्थ हो रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स उस पॉपुलेशन में क्या हो रहे हैं बर्थ हो रहा है मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं एग्जैक्टली exactly. तो बर्थ रेट जो है वो ये डिटरमाइन करता है कि किसी भी पॉपुलेशन में द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्रीजिंग राइट ठीक उसी तरीके से अगर हम डेथ रेट की बात कर रहे हैं तो वो ये डिटरमाइन करता है द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पॉपुलेशन अब अगला सवाल आता है बर्थ रेट या डेथ रेट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी समझने वाली बात यह है कि जो बर्थ रेट है या फिर डेथ रेट है इनको हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं एज पर कैपिटा बर्थ या फिर पर कैपिटा डेथ तो ये पर कैपिटा शब्द आपको अपने टेक्स्ट बुक्स में भी देखने को मिलेगा तो पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन मतलब ये जो भी हम बात करते हैं ना बर्थ रेट की या डेथ रेट की तो हम पर पर्सन या फिर पर इंडिविजुअल के हिसाब से ही बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं कुछ चिक्स अब ये चिक्स का पॉपुलेशन जो है ये बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है क्योंकि नए चिक्स पैदा हो रहे हैं राइट right? तो अगर मैं इनके बर्थ रेट की बात करूं इसका मतलब मैं क्या पूछना चाह रही हूं नंबर ऑफ बर्थ्स लेट्स से मैंने पूछा कि एक साल में पिछले साल का बर्थ रेट क्या है इसका मतलब मैं पूछना चाह रही हूं नंबर ऑफ बर्थ्स पर बर्ड पर ईयर समझ रहे हो पर कैपिटा यानी कि पर बर्ड एक बर्ड के मुकाबले पर बर्ड कितने बर्थ्स हुए टोटल कितने बर्थ्स हुए हमें सिर्फ उससे मतलब नहीं है राइट right? हमें मतलब है टोटल बर्थ्स पर बर्ड पर ईयर बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगी जैसे अब अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो समझना थोड़ा आसान हो जाता है तो हम बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन यहीं पे कैच है डिवाइडेड बाई एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाई ये इन बर्थ्स के होने से पहले जो पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग था वो पॉपुलेशन इसको डिवाइड क्यों किया क्योंकि हमें सिर्फ नंबर ऑफ बर्थ्स हमारे लिए काफी नहीं है नंबर ऑफ बर्थ्स पर चिक पर चिक एक चिक के मुकाबले कितने बर्थ्स हुए समझ रहे हो तो नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाय इसीलिए कर दिया पॉपुलेशन बिकॉज पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ चिक्स दैट पर ईयर तो ये जो निकला दिस इज माई बर्थ रेट पर कैपिटा पर ईयर बात समझ में आई एग्जाम्पल लो मान लो कि हमारा ये पास ये जो चिक्स का जो पॉपुलेशन है हंड्रेड चिक्स था लास्ट ईयर ठीक है अब लास्ट ईयर जो है थर्टी चिक्स का बर्थ हुआ ठीक है तो मुझे निकालना है बर्थ रेट तो पिछले साल का बर्थ रेट मैं कैसे निकालूंगी नंबर ऑफ बर्थ विच इज थर्टी डिवाइडेड बाई एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन विच इज हंड्रेड तो यानी कि कितना निकला जीरो पॉइंट थ्री इंडिविजुअल्स पर ईयर राइट right? तो अब देखो हमने क्या किया टोटल बर्थ्स कितने थे थर्टी लेकिन क्या बर्थ रेट थर्टी है नहीं वो बर्थ रेट नहीं है वो तो नंबर ऑफ बर्थ्स है बर्थ रेट कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ बर्थ्स पर चिक पर चिक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ बर्थ को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ चिक से टोटल नंबर ऑफ चिक्स इज नथिंग बट द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन एकदम क्लियर हो गया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया ग्रेट अब आप करके दिखाओगे डेथ रेट लेटर से कि हमारे चिक का पॉपुलेशन था 100 पिछले साल 10 चिक की डेथ हो गई तो हमारा डेथ रेट कितना हुआ नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन 10 अपॉन 100 विच इज जीरो पॉइंट वन इंडिविजुअल्स पर ईयर राइट तो अब ये जो जीरो पॉइंट वन जो डेथ रेट हम निकाल रहे हैं दैट इज ऑल्सो पर चिक पर ईयर सिमिलरली यहाँ पे जो बर्थ रेट हमने निकाला दैट इज ऑल्सो पर चिक पर ईयर तो इसीलिए बर्थ रेट और डेथ रेट जो है इसको हमेशा हम एक्सप्रेस करते हैं एज पर कैपिटल अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्स रेशियो इन अ पॉपुलेशन अब किसी भी पॉपुलेशन में कितने लोग एक पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करते हैं चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो या फिर चाहे वो कोई तीसरा जेंडर हो बट कितने परसेंटेज ऑफ द पीपल उस पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करते हैं वो देता है हमें सेक्स रेशियो ठीक है तो सेक्स रेशियो को जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं इन परसेंटेज फॉर्म ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं लेट इज सपोज ये एक छोटा सा पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है हमारे लिए तो इस पॉपुलेशन में कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं ठीक है अब मैं अगर पूछूं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल्स तो परसेंटेज ऑफ मेल्स क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मेल्स अब यहां पे अगर आप कैलकुलेट करके देखो टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मेल्स हैं सेवन मेल्स आउट ऑफ पूरा पॉपुलेशन का साइज कितना है टोटल कितने लोग हैं थर्टीन तो सेवन अपॉन थर्टीन इंटू हंड्रेड क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए सो इट कम्स आउट टू बी फिफ्टी थ्री पॉइंट एट फोर परसेंट ठीक इसी तरीके से अगर हमें फीमेल का परसेंटेज निकालना हो कितने परसेंटेज फीमेल्स हैं तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फीमेल्स कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स अपॉन थर्टीन इंटू हंड्रेड विच कम्स आउट टू बी फोर्टी सिक्स पॉइंट वन फाइव परसेंट ठीक है तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज ऑफ मेल परसेंटेज ऑफ फीमेल निकाल सकते हैं एंड दिस डेटा गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्स रेशियो ऑफ अ पॉपुलेशन यानी कि उस पूरे पॉपुलेशन में अगर हम उस पॉपुलेशन को सेक्स के बेसिस पर यानी कि जेंडर के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें तो कितने एक एक कैटेगरी में कितने परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन फॉल करेगा अब बात करेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पॉपुलेशन अब बच्चों जब हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर एज होता है राइट फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसान की बात करें तो मान लो किसी की एज एक अगर एक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो उसकी एज फाइव हो सकती है फाइव इयर्स हो सकती है फिफ्टी इयर्स हो सकती है फिफ्टीन इयर्स हो सकती है राइट right? बट एक ऑर्गेनिज्म का एक एज होता है बट जब हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो एक पॉपुलेशन का एक एज तो हो नहीं सकता बिकॉज उस पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अलग अलग एजेस हैं राइट right? तो पॉपुलेशन के केस में हम ऐज की बात न करके बात करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन की एज एन अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यार एक ऐसा प्लॉट बना लेते हैं एक ऐसा ग्राफ बना लेते हैं जो हमें ये बताएगा कि यू you नो know, इस पॉपुलेशन में हंड्रेड लोग ऐसे हैं जिनकी एज ज़ीरो टू टेन ईयर्स के बीच में है इस पॉपुलेशन में कुछ थर्टी लोग ऐसे हैं जिनकी एज सिक्सटी ईयर्स से ऊपर है तो इस तरह का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह का जो एक कॉन्सेप्ट है इसे हम कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया उस पूरे पॉपुलेशन को कुछ एज ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए और फिर हमने बताया हर एक एज ग्रुप में कितने कितने लोग बिलोंग करते हैं राइट right? तो इससे हमें उस पॉपुलेशन के एज डिस्ट्रीब्यूशन का एक फेयर आइडिया आ जाता है कि उस पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग बच्चे हैं या फिर ज्यादातर लोग बूढ़े हैं या फिर ज्यादातर लोग यंग हैं तो मतलब मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन या फिर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो चलो बच्चों अब बात करेंगे हम एज पिरामिड्स की एज पिरामिड पिरामिड वर्ड कहाँ से आ गया यहाँ पे तो बच्चों जब भी हम किसी पॉपुलेशन के एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर मिलता है और ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ पिरामिड के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता होता है इसकी वजह से इसे एज पिरामिड कहा जाता है ठीक है तो अभी आपकी स्क्रीन पर तीन डिफरेंट एज पिरामिड्स हैं जो एक दूसरे से कुछ कुछ अलग है तो हम इन तीनों एज पिरामिड्स को डिस्कस करने वाले हैं ठीक है उसके पहले बता दूं किसी भी एज पिरामिड में क्या होता है वाई एक्सिस पे एज होता है तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हो एज बढ़ रहा है और ये जो एक्स एक्सिस है ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो किसी भी एज पिरामिड में जो नीचे वाला पोर्शन है दैट डिनोट्स द प्री रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि कितने ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कम एज ग्रुप में लाई करते हैं एज इन जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब उस एज में जहां पर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के केपेबल नहीं होता है जैसे मान लो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मे बी जीरो टू से लेस देन ट्वेंटी ईयर्स इस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं राइट तो एक टेंटेटिव बता रही हूँ उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज जो बीच वाला पोर्शन हैं फिर आता है बुढ़ापा यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज तो ये तीनों फेजेस होते हैं किसी भी एज पिरामिड में ठीक अब फोकस करते हैं हमारे पहले एज पिरामिड में तो इस पिरामिड में अगर बच्चों आप देखो तो इस पिरामिड से हमें ये पता चलता है कि हमारा प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो है वहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स काफी ज्यादा है राइट right? उसके बाद जैसे जैसे हम रिप्रोडक्टिव फेज में जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थोड़े कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव में और कम है तो इस तरह के प्लॉट को देखते हुए हमें क्या पता चल रहा है हमें यह पता चल रहा है कि भाई प्री रिप्रोडक्टिव फेज में बहुत ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स पैदा ले रहे हैं तभी तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में इतने ऑर्गेनिजम्स हैं तो इस तरह का जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत रैपिड ग्रोथ शो कर रहा है राइट right? तो इस तरह के पॉपुलेशन को हम कह सकते हैं एन पॉपुलेशन जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है क्लियर अब आगे बढ़ेंगे हम अपने दूसरे एज पिरामिड की तरफ दूसरे एज पिरामिड में हम क्या देखते हैं क्या अंतर है पहले एज पिरामिड से इसका देखो आप प्री रिप्रोडक्टिव फेज पे फोकस करो ये थोड़ा छोटा हो गया है राइट right? यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत कम नहीं है बट बहुत ज़्यादा अभी नहीं है तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हैं जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उससे थोड़े कम रिप्रोडक्टिव फेज में हैं या फिर लगभग बराबर या थोड़े कम रिप्रोडक्टिव फेज में और उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में हैं। तो ये इस तरह का जो प्लॉट है ये शो कर रहा है ग्रोथ है क्योंकि नए ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे हैं बट स्लो ग्रोथ तो इसे हम कहेंगे एक स्टेबल पॉपुलेशन क्योंकि पॉपुलेशन का स्टेबल होना भी तो जरूरी है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने लग गया तो भाई जैसे वो आ, टीवी पे बहुत सालों पहले ऐड आया करता था कि एक एक्वेरियम होता था जिसमें मछलियाँ होती थी नंबर ऑफ मछलियाँ अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा पूरा एक्वेरियम फट जाता है, है ना तो ये हो गया हमारा स्टेबल पॉपुलेशन अब चलते हैं तीसरे एज पिरामिड की तरफ तीसरे एज पिरामिड में बच्चों आप क्या देख रहे हो वेरी इंटरेस्टिंग यहां पर हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम है वो इसका क्या मतलब है कि बहुत कम नए ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे हैं तो ये किस तरह का पॉपुलेशन हुआ ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हुआ मतलब यहां पर जो समय के साथ साथ जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो तो कम होते जा रहे हैं क्योंकि अगर ये लेट से ये अगर इस साल ऐसा प्लॉट है अगले साल भी ऐसा ही होगा फिर उसके अगले साल भी ऐसा होगा तो धीरे धीरे जो प्री रिप्रोडक्ट क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव फेज जितना कम होगा आगे चल के रिप्रोडक्टिव फेज भी तो कम ही होगा अब समझो बात को जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है मान लो अगर टोटल सौ लोग हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज में तो वही सौ लोगों की उम्र बढ़ेगी तो वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे फिर उनकी उम्र बढ़ेगी तो वो पोस्ट प्रोडक्टिव फेज में जाएंगे तो अगर नीचे का पोर्शन ही इतना छोटा है तो ऊपर के पोर्शन तो और छोटे होते जाएंगे राइट क्योंकि एज के साथ साथ काफी लोगों की डेथ भी होगी है कि नहीं तो इस तरह का जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अब जब हम पॉपुलेशन के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं तो यहां पर एक और छोटा सा टर्म बता देती हूँ विच इज पॉपुलेशन डेंसिटी अब आपको ऐसा लग ही सकता है कि मतलब वाई डू वी इवन यू टू टॉक अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी क्योंकि पॉपुलेशन का तो मतलब ही है नंबर ऑफ ऑर्गैनिज्म तो अगर हमें कहीं पर भी पॉपुलेशन की बात करनी है तो हम नंबर की ही बात करेंगे बट अब देखो बच्चों कई बार क्या होता है ना कि इस नंबर को कभी कभी वो नंबर इतना यूज होता है ना कि सिर्फ उस नंबर को बताना इज नॉट ईजी या फिर उस नंबर को डिटरमाइन करना इज नॉट ईजी कभी कभी सिर्फ उस नंबर को बताना इज नॉट रेलिवेंट इनफ सिर्फ नंबर बता दिया बट दैट इज नॉट रेलिवेंट इनफ फॉर एग्जाम्पल लेटर सपोज की एक जगह है लेटर सपोज एक फील्ड है उसके अंदर एक बड़ा सा बैनियन ट्री है जो काफी सारा उसका मेजर मेजर पोर्शन घेर रखा है और उसी फील्ड में छोटे 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 छोटे, छोटे ग्रास प्लांट्स हैं जो कि लेट्स से 20-30 ग्रास प्लांट्स हैं अब अगर सिर्फ नंबर की बात करें तो किसी को भी सुन के लगेगा कि भाई थर्टी ग्रास प्लांट्स हैं बट ग्रास प्लांट्स इतने छोटे छोटे से, से हैं राइट तो उन्होंने बहुत थोड़ा सा एरिया घेर रखा है तीस ग्रास प्लांट्स ने मिलाकर के सुन के लगेगा सिर्फ सिर्फ एक है, है, नंबर काफी नहीं है, राइट क्योंकि वो एक बैनियन ट्री ऑलमोस्ट पूरी जगह घेर रखा है और वो जो छोटे छोटे थर्टी ग्रास प्लांट्स हैं, वो सब मिलकर के एक बहुत थोड़ा सा जगह घेर रखा है राइट तो इसका मतलब सिर्फ नंबर काफी नहीं होता है बहुत जगह बहुत बार दैट एरिया ऑल्सो यू नो प्लेज अ रोल तो यहीं पर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की तो इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट वॉल्यूम राइट ताकि इससे हमें एक डिफरेंट पिक्चर मिल सके या फिर एक बेटर क्लैरिटी मिल सके कहीं पर भी किसी भी जगह की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें सो लेटर्स टॉक अबाउट ओके ये पॉपुलेशन है बट पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से ऐसे बात करते हैं लेट्स से हम इंडिया के पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अगर हम कहें कि भाई इंडिया का पॉपुलेशन इतना है और दूसरी तरफ हम किसी और कंट्री की बात करें लेट्स से हम चाइना की बात करें चाइना का पॉपुलेशन इतना है ठीक है अब अगर हम सिर्फ नंबर की बात करें तो इज़ दैट रेलिवेंट इनफ नॉट रियली क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री का साइज़ अलग है चाइना एज अ कंट्री का साइज़ अलग है तो अगर एक बहुत बड़े से कंट्री में सौ लोग हैं और एक बहुत छोटे से कंट्री में जहां पे दस लोगों का आंटना भी मुश्किल है वहां सौ लोग हैं आप समझ पा रहे हो मैं कहां से आ रही हूं मैं क्या बताना चाह रही हूं आप समझ पा रहे हो कि सिर्फ नंबर बताना काफी नहीं है एंड दैट इज वेयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज समथिंग दैट वी टॉक अबाउट इसीलिए आप देखोगे हर जगह पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाती है रादर देन ओनली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अगला टर्म आता है पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे पता चलता है हमें पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगर समय के साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ठीक उसी तरीके से अगर समय के साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स घट रहे हैं इसका मतलब द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग किसी भी पॉपुलेशन में जब चेंज आता है चेंज कैसा हो सकता है या तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा होगा या पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा होगा राइट तो किसी भी पॉपुलेशन में जब ये चेंज आता है तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये चार

डिक्रीज हो जाएगा राइट तो नेटेलिटी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा मोर्टेलिटी पॉपुलेशन को घटाएगा नेक्स्ट है इमिग्रेशन आई से इमिग्रेशन और आई से इन याद है वो बचपन में क्लासरूम में एंटर करते टाइम हम मैम से पूछा करते थे मे आई कम इन मैम इन मतलब अंदर राइट तो पॉपुलेशन के अंदर आना तो इमिग्रेशन डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे दूसरे हैबिटेट से या दूसरे दूसरे जगहों से माइग्रेट होकर के पॉपुलेशन के अंदर आ रहे हैं Right? राइट ट्रैवल करते हो right? तो वहां पर में न, एक इमिग्रेशन का बना रहता है एंटर कर रहा है उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं जस्ट टू चेक कि भाई ये बंदा सही है और ये हमारे कंट्री में घुस के कुछ गड़बड़ नहीं करेगा है right? तो इमिग्रेशन दैट इज इमिग्रेशन तो अब ये इमिग्रेशन से क्या होगा हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा घटेगा क्या होगा इमिग्रेशन भाई पॉपुलेशन में और लोगों की एंट्री हो रही है अब लोगों की एंट्री हो रही है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम बढ़ेगा तो हमारा पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगा और इमिग्रेशन का ऑपोजिट है एमिग्रेशन एमिग्रेशन ई से एमिग्रेशन और ई e से एग्जिट तो जो ऑर्गेनिजम्स एक पॉपुलेशन को छोड़ के एग्जिट मार के कहीं और चले जाते हैं दैट इज इमीग्रेशन इमीग्रेशन से हमारे पॉपुलेशन के साइज के पे क्या असर पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे पॉपुलेशन में कम हो जाएंगे क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स छोड़ के एग्जिट मार चुके हैं है ना तो हमारा पॉपुलेशन घट जाएगा तो कुल मिला के ये जो चार टर्म्स हमने देखे इसमें से हमें क्या पता चला एक पॉपुलेशन को इंक्रीज कौन कौन करता है नेटेलिटी और इमिग्रेशन डिक्रीज कौन कौन करता है मोर्टैलिटी और इमिग्रेशन तो चलो बच्चों मैथमेटिकली देखते हैं कि हम चेंज इन पॉपुलेशन विथ टाइम को मैथमेटिकली कैसा डिनोट करते हैं बिकॉज मैथमेटिक्स ऑलवेज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल ठीक है इससे चीजें आसान हो जाएंगी तो अभी तक हमने क्या क्या देखा था कुछ फैक्टर्स देखे थे हमने राइट हमने क्या क्या देखा था कि हमारा जो पॉपुलेशन होता है उसको कौन और कैसे इम्पैक्ट करता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इस पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं बताओ मुझे पॉपुलेशन को बढ़ाता कौन कौन है नेटालिटी दैट इज बर्थ एंड इमिग्रेशन दैट इज पीपल कमिंग इन टू द पॉपुलेशन और पॉपुलेशन को घटाता कौन कौन है मोर्टेलिटी दैट इज डेथ एंड एमिग्रेशन दैट इज जो लोग पॉपुलेशन को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं ठीक है ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो हमने देखा था अब इसी चीज को हम मैथमेटिकली पुट कर देंगे बच्चों याद रखना पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग यहां पे जनरली डिनोट करते हैं बाई कैपिटल एन अब लेटर सपोज मैंने कहा कि एन टी प्लस करता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम ठीक है तो कोई भी टाइम टी प्लस वन में जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी टाइम टी पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो टी प्लस वन हो गया मतलब बाद में एक साल के बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो कितनी होगी जो पॉपुलेशन डेंसिटी पहले थी प्लस उस एक साल में जितने भी बर्थ्स हुए हैं प्लस जितने भी इमिग्रेशन हुए हैं देखो यहां पे हमने प्लस साइन क्यों दिया क्योंकि ये सारी चीजें हमारे पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है बर्थ और इमिग्रेशन पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है और इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट किसको किसको करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम जितनी भी डेथ्स हुई हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने भी इमिग्रेशन हुए हैं यानी कि जितने लोग छोड़ के चले गए हैं इसीलिए माइनस डी प्लस ई ठीक है तो ये जो मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन मुझे क्या बता रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जिस तरह से पॉपुलेशन चेंज हो रही है टाइम टाइम हमारा पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रहा है अब देखना मैथमेटिकल मतलब कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए कई बार हम क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन का उतार या चढ़ाव जो है वो बर्थ और डेथ से डिनोट होता है मोरलेस क्योंकि ये बर्थ और डेथ के जो नंबर होते हैं ये ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं कंपेयर टू इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन ठीक है तो इस तरीके से हम मैथमेटिक के लिए डिनोट करते हैं तो बच्चों अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें कौन-कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ फैक्टर्स पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं कुछ पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं लेकिन अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना ये कई तरीके से हो सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ अचानक से बहुत तेजी से बढ़ सकता है हो सकता है वो धीरे-धीरे स्टेडीली बढ़े राइट तो कई वेज हैं जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है और यही बताता है ग्रोथ मॉडल्स एग्जैक्टली exactly. देखो ग्रोथ मॉडल्स भी होते हैं बिल्कुल होते हैं तो यहां पर बच्चों हम दो ग्रोथ मॉडल्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली यानी कि बहुत ही तेजी से यू फटाके से बिल्कुल पॉपुलेशन ग्रो करता है पॉपुलेशन अगर इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है इसका मतलब है रिसोर्सेस आर एडिक्वेट सफिशियंट रिसोर्सेस है तभी तो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, है ना छोटा छोटी सी चीज़ है ऐसे सोचो मान लो आप अपने स्टडी टेबल में बैठ के पढ़ रहे हो किसी दिन गलती से आपने एक छोटा सा बिस्किट का टुकड़ा वहाँ पे छोड़ दिया ठीक है अब उस बिस्किट के टुकड़े के पीछे आपने देखा कि वहाँ पर दो तीन चीटियाँ आ गई ठीक अब अगर रेगुलर बेसिस पे आप वहां पे कुछ ना कुछ खाना छोड़ते जाओ तो क्या होगा धीरे धीरे वहां पे चींटियां आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी वो चींटियां भी उसी के आसपास उसी एरिया के आसपास अपना कॉलोनी बना लेंगी अपने रहने का जगह वगह बंदोबस्त कर लेंगे कि भाई यहाँ पर तो एकदम टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है है कि नहीं इस तरीके से समय के साथ साथ क्या हो सकता है कि ये जो एंट्स हैं ये भी फर्दर रिप्रोड्यूस करके अपना पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे है कि नहीं तो बोलने का मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होने के लिए रिसोर्सेस का होना बहुत जरूरी है राइट तो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्रोथ जब होता है मॉडल यही कहता है कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना वो देखो ऐसे एक्सपोनेंशियली होता है अब ये ग्राफ क्या बता रहा है क्यों बता रहा है कैसे बता रहा है इसको देखते हैं तो चलो बच्चों अब हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन को डिराइव करेंगे ठीक है पूरा मैथमेटिकली डिराइव करेंगे ठीक तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चेंज इन पॉपुलेशन को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं क्या बताया था मैंने मैंने बताया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस नंबर ऑफ बर्थ्स प्लस इमिग्रेशन माइनस नंबर ऑफ डेथ्स एंड इमिग्रेशन ये बताया था मैंने साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि b प्लस आई में b का नंबर ज्यादा होता है मतलब नंबर ऑफ बर्थ्स और नंबर ऑफ डेथ्स ये दोनों चीजें ही प्रीडोमिनेंटली पॉपुलेशन चेंज को यू नो कंट्रोल करती है ठीक है तो अब इसी एक्सप्रेशन से बच्चों क्या मैं ऐसा यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है एन टी प्लस वन माइनस एन टी अगर इधर लेके आओगे तो चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई अगर i और e को मैं इग्नोर करूँ कंसीडरिंग कि इनका नंबर b और d के मुकाबले कम है तो क्या मैं कह सकती हूं कि चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है नंबर ऑफ बर्थ्स माइनस नंबर ऑफ डेथ्स पे डिपेंडेंट है अब ध्यान देना बच्चों यहां पर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रही हूं मतलब पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है विच मीन्स नंबर ऑफ बर्थ जो है वो नंबर ऑफ डेथ से ज्यादा होगा है कि नहीं तो बच्चों क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू बड़े ध्यान से देखना है बच्चों बहुत ही ध्यान से दिस विल बी टू नंबर ऑफ बर्थ्स माइनस नंबर ऑफ डेथ क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ यस और नो बताओ मुझे क्या मैं लिख सकती हूँ बिल्कुल लिख सकती हूँ कहाँ से डिराइव किया टी एन टी प्लस वन इसको भी इधर लेके आओ तो क्या हो गया चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी अब अगर वही चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लिखें इधर क्या बचेगा बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई अब आई और ई e को हमने अभी के लिए इग्नोर कर दिया फॉर सिंप्लिसिटी तो ये हो गया बी माइनस डी अब ये बी और ये डी क्या है टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स माइनस टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ये है अब इसे अगर मैं बर्थ रेट और डेथ रेट के टर्म्स में लिखूं, पॉपुलेशन यहां पर हम जनरली बर्थ रेट और डेथ रेट ये डेटा हमारे पास होता है, है ना तो अगर मैं उसे उस फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगी तो उस केस में मैंने कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी लिख दिया कैपिटल डी की जगह स्मॉल डी लिख दिया वेर स्मॉल बी डिनोट्स बर्थ रेट स्मॉल डी डिनोट्स डेथ रेट लेकिन लेटमी टेल यू बर्थ रेट और डेथ रेट को हम हमेशा पर कैपिटा डिनोट करते हैं पर पर्सन तो मतलब सिर्फ बर्थ रेट टोटल नंबर ऑफ बर्थ विल बी इक्वल टू बर्थ रेट इन टू द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द पॉपुलेशन यानी कि कैपिटल बी जो है दैट विल बी इक्वल टू अगर साइड में मैं लिख के दिखाऊँ टोटल नंबर ऑफ बर्थ विल बी इक्वल टू बर्थ रेट इंटू द पॉपुलेशन सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ डेथ्स विल बी इक्वल टू डेथ रेट इंटू नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द पॉपुलेशन तो यानी कि कैपिटल बी की जगह हम स्मॉल बी इंटू कैपिटल एन लिख सकते हैं कैपिटल डी की जगह स्मॉल डी इंटू कैपिटल एन लिख सकते हैं लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अब हम लोग क्या करेंगे ये जो बी माइनस डी है ना अब ये बी माइनस डी हमने क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पर बी माइनस डी विल बी पॉजिटिव क्योंकि नंबर ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ डेथ्स तभी तो हमारा पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है है कि नहीं तो इसलिए अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ इसको मैं लिख सकती हूँ डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू ये बी माइनस डी को जो है इसको हम एक न, एक सिंगल अल्फाबेट से डिनोट कर देते हैं आर ठीक है अब बच्चों आई एम प्रिटी श्योर कि ये वाला इक्वेशन आपको अपनी बुक में देखने को मिलता है और बहुत से बच्चे क्लूलेस होते हैं कि ये कहाँ से आया है और उसको रट लेते हैं बट आप मत रटना ठीक है क्योंकि आपको लॉजिकली समझ में आ गया कि ये कॉन्सेप्ट कहां से जुड़ रहा है कहां से आ रहा है ठीक है खत्म नहीं हुआ डेरिवेशन डिराइव तो हमको ये करना है कि भाई ऐसा ग्राफ मिला क्यों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ऐसा वाला ग्राफ क्यों होता है एक्सपोनेंशियल क्यों कहते हैं यानी कि ई टू द पावर कुछ आना चाहिए एक्सप्रेशन में है कि नहीं तो उस एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे हम लोग ठीक है तो अभी ये एक्सप्रेशन आया अब हम लोग इसमें क्या करेंगे देखो अब हम लोग सिंपल कैलकुलेस तो पढ़े ही हो मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर बायो के स्टूडेंट हो तभी भी बेसिक कैलकुलस का वीडियो देखा ही होगा अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लो तो अब क्या करेंगे हम लोग ये डी एन को इधर रख लो एन को भी इस साइड से इधर लेके आओ इधर लेके जाओ डी टी को तो इधर हो गया आर डी टी अब दोनों तरफ बच्चों कर दो इंटीग्रेट तो अब हम लोग कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे अब देखो एल एन एन फ्रॉम जीरो टू टी अब एन की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू जीरो ये सब साइड में लिखते हैं तो बच्चों एट टी इज इक्वल टू जीरो एन की वैल्यू क्या होगी पॉपुलेशन डेंसिटी इज एन एन नॉट सिमिलरली एट टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एन टी ठीक है ये हमें पता है जीरो पे एन नॉट टी पे एन टी तो वही अब देखो एल एन एन टी जीरो अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर हम डालेंगे तो ये एल एन एन टी माइनस एल एन एन नॉट ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ये हो जाएगा आर टी बिकॉज जब टी की वैल्यू जीरो डालेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा सो so, आर टी माइनस जीरो तो ये आ गया ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं है अब देखो लॉग के जो रूल्स होते हैं वो तो हम सबको अब तक पता ही है सो so, नेचुरल लॉग ऑफ एन टी माइनस नैचुरल लॉग ऑफ एन नॉट इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों नेचुरल लॉग ऑफ एन टी डिवाइडेड बाई एन नॉट सो दिस इज इक्वल टू ऐसा हम लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अब बच्चों हमको ये भी पता है कि अगर इधर नेचुरल लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू आर टी है यहां से नेचुरल लॉग हटाना है मतलब इधर ई टू दी पावर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा है ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आ जाएगा एन टी बाई एन नॉट तो इस साइड से नेचुरल लॉग हटेगा तो इस साइड आ जाएगा ई टू द पावर आर टी तो यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी बड़े ध्यान से बच्चों बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को कैसा एक्सप्रेशन आ गया है ये एक्सप्रेशन बता रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो मतलब इनिशियली जो पॉपुलेशन डेंसिटी था इन टू ई टू द पावर आर टी मतलब जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ई टू द आई आर टी टी तो मान लो दुगुना होगा चौगुना होगा बट ये पूरी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी e टू द पावर आर टी के फैक्टर में ये बढ़ता रहेगा यानी कि पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है ये जो ग्रोथ कर्व हमको मिलेगा ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व मिलेगा जैसा कि हमको यहां पर दिख रहा है राइट right? तो मैथमेटिकली अब आपको पता चल गया कि वाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो होता है वो मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो क्यों होता है सो बेसिकली इट इज बाय दिस लॉजिक अब बच्चों ये पूरा डेरिवेशन करने में मैंने बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ किया जैसे डिफरेंशिएशन यूज़ किया इंटीग्रेशन uh, यूज़ किया है जैसे कि यहाँ पर लॉग के रूल्स यूज़ किए हैं राइट तो प्लीज़ डू नॉट हैव दिस क्वेश्चंस इन माइंड कि भाई नेचुरल लॉग में हमने ऐसे डिवाइड क्यों किया यहाँ से नेचुरल लॉग हटा के इधर एक्सपोनेंशियल क्यों किया तो ये मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स हैं और इनके डीप में मैं अभी नहीं जा सकती ये सारी चीज़ें आपने अपनी मैथमेटिक्स में पढ़ रखी होगी ठीक है सो बेसिकली दिस इज द डेरिवेशन एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन एंड डू नॉट मेमोराइज इट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन को हमने डिराइव तो कर लिया आप देखते हैं कि ये ग्रोथ इक्वेशन हमें क्या क्या बातें बताता है हम क्या क्या चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हैं तो सबसे पहले आप बताओ अभी हमने क्या डिराइव किया हमने क्या क्या डिराइव किया सबसे पहले हमने ये देखा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इन टू एन दैट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हमने कैसे लिखा था इस बी माइनस डी की जगह पे हमने लिख दिया था आर एन अच्छा बाय द वे एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देती हूं ये जो आर है ना विच इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इसको हम कहते हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ठीक है तो यार को हम क्या कहते हैं इंटरनसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ठीक है चलो तो ये एक इक्वेशन देखा फिर इसी इक्वेशन से हमने अभी अभी क्या किया था डिराइव करा था इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म विच वॉज एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी ठीक है तो बेसिकली हमने ये सारे फॉर्म्स अभी तक देखे थे है ना अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज लेंगे कि, कि किस सिनेरियो में हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस ठीक है तो चलो यहां से हम अपने स्क्रीन को डिवाइड कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले लेंगे हम सिनारियो वन जहां पर हम कहते हैं कि हमारा जो आर है दैट इज पॉजिटिव यानी कि अगर बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज्यादा है विच मीन्स बी माइनस डी ये जो वैल्यू है ना आर की आर इज नथिंग बट बी माइनस डी विच एक्चुअली मीन्स आर इज पॉजिटिव ठीक है तो ऐसे केस में क्या होगा अब आप खुद देखो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी जो कि पॉजिटिव है अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये जो ग्रोथ है ना एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी आर वहां पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो होता रहेगा किस तरह का ग्रो होगा ऐसे सिचुएशन में अनबाउंडेड ग्रोथ ठीक है ध्यान देने वाली बात है जब r की वैल्यू पॉजिटिव होगी उस केस में द ग्रोथ विल बी अनबाउंडेड एकदम एक्सपोनेंशियल ऊपर की तरफ जाता हुआ अनबाउंडेड ग्रोथ अब लेते हैं सेकेंड सिनेरियो वॉट इफ बी इज लेस देन डी यानी कि जितने बर्थ जो बर्थ रेट है उससे कई ज्यादा डेथ रेट है तो यानी कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गए पॉपुलेशन में वो क्या होगा वो कम होते रहेंगे समय के साथ साथ राइट तो यानी कि ऐसे सिचुएशन में आर की जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव आर कैसा है हमारा आर हमारा नेगेटिव है बच्चों अगर आर हमारा नेगेटिव है उस केस में देखो इंपैक्ट क्या आएगा यहाँ पे एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी में ई टू द पावर माइनस आर टी मतलब एक्सपोनेंशियल कर्व तो मिलेगा बट वो कर्व ऐसे नीचे की तरफ जाता हुआ मिलेगा इसका मतलब ये किस तरह का पॉपुलेशन होगा जो पॉपुलेशन धीरे-धीरे धीरे-धीरे कम होता जा रहा है इनफैक्ट कम होते-होते होते-होते इट मे लीड टू एक्सटिंक्शन कम होते-होते होते होते ये एक ऐसे पॉइंट पे जा सकता है जहां पर वो स्पीशीज वो पॉपुलेशन ऑल टुगेदर एक्सटिнкт हो जाए खत्म हो जाए ठीक है ये था हमारा सेकेंड सिनारियो अब देखते हैं थर्ड सीनारियो जहां पर बी इज इक्वल टू डी ठीक है जहां पर बी बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर है यानी कि जहां पर आर की वैल्यू ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव बल्कि ज़ीरो है बिकॉज बी माइनस डी इज़ आर दोनों बराबर है तो आर की वैल्यू जीरो है यानी कि उस केस में एन इज़ इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर जीरो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज़ वन यानी कि एन की वैल्यू इज इक्वल टू तो एन नॉट अभी की पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ही है जितनी पहले थी यानी कि ऐसे सिचुएशन में एन की वैल्यू एन नॉट के बराबर है यानी कि मेरा पॉपुलेशन ना तो इंक्रीज किया है ना ही डिक्रीज किया है यानी कि ये कैसा है ये स्टेबल है तो यानी कि ये कैसा पॉपुलेशन हो गया ये हो गया हमारा स्टेबल पॉपुलेशन ठीक है तो देखो उसी इक्वेशन से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के इक्वेशन से हमने ये तीन चीजें इंटरप्रेट करी एक सिचुएशन में अनबाउंडेड ग्रोथ दूसरे सिचुएशन में एक्सटिंक्शन और तीसरे सिचुएशन में स्टेबल पॉपुलेशन अब बच्चों यहां एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में हम एडिकुएट रिसोर्स एडिकुएट रिस की बातें कर तो रहे थे बट क्या रियलिटी में रिसोर्स एडिकुएट होते हैं नहीं होते हैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं होते हैं ना रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं हो सकता है बहुत ज्यादा रिसोर्स है बट वो लिमिटेड है अनलिमिटेड नहीं है है ना तो अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं तो हमारी जो कहानी है ना वो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है एक एग्जाम्पल लेते हैं लेटर सपोज एक पार्टी है ठीक है उस पार्टी में ऐसा है कि आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है यू कम टू द पार्टी एंड यू कैन एंजॉय जो भी सामान वहां रखा हुआ है और एक बड़े से टेबल पे कुछ जूसेस रखे हुए हैं कुछ चिप्स के पैकेट्स रखे हुए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं कुछ मिठाइयां रखी हुई हैं ठीक है एंड इट इज लाइक आप आओ अपना उठाओ जो उठाना है उठाओ अपने मजे करो खाओ पियो ठीक है अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा फ्री एंट्री है कोई भी आ सकता है कोई टिकट सिस्टम नहीं है कुछ नहीं है कोई भी आ सकता है अब मान लो बहुत सारे लोग आ गए क्योंकि फ्री एंट्री है तो बहुत सारे लोगों की भीड़ हो गई वहां पे लेकिन अब होगा क्या वहां पे कोई कुछ भी उठाना चाहेगा तो कोई ऐसा भी होगा जिसको कुछ नहीं मिलेगा कोई ऐसा भी होगा जो शायद चिप्स का पैकेट भी उठा लेगा और जूस भी उठा लेगा और यू नो मिठाइयां भी उठा लेगा तो बेसिकली जो ज़्यादा फिट है जो ज़्यादा पावरफुल है जो ज़्यादा स्मार्ट है वो जाके अपना बंदोबस्त कर लेगा अपना सामान उठा लेगा ठीक है लेकिन अब अगर हम इसे इस नज़रिए से देखें कि भाई उस टेबल के ऊपर लिटल सपोज कि सौ चिप्स के पैकेट हैं अगर हम ये भी मान के चले कि हर बंदा एक एक ही चिप्स का पैकेट लेता है तब भी टोटल कितने लोगों को हम चिप्स दे पाएंगे सौ लोगों को लेकिन फ्री एंट्री होने की वजह से अगर वहां पर तीन सौ लोग आ पहुंचे हो तो क्या होगा तब भी ज्यादा से ज्यादा एफोर्ड तो हम ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेट तो हम सौ ही लोगों को कर सकते हैं चिप्स के पैकेट के साथ बोलने का मतलब है कि उस पार्टी में जो रिसोर्सेज हैं वो एक फिक्स्ड नंबर लोगों को ही एंटरटेन कर सकते हैं राइट एंड दिस इज वेयर कैपेसिटी क्या होता है, resources. कितना resources है उस में उसके बेसिस पर वो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता है उसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी अगर सौ चिप्स के पैकेट हैं तो एट द मैक्स हम सौ ही लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं राइट right? तो ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी तो इसका मतलब है जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें होती है पहला रिसोर्सेज आर लिमिटेड दूसरा रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज होने लगता है जैसे ही वो पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी को रीच कर जाता है मतलब जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी मतलब वो उसका मैक्सिमम है उससे ज्यादा लोगों को वो नहीं रख सकता है तो इसका मतलब क्या है उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स उस पॉपुलेशन में नहीं बढ़ेंगे इसका मतलब उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैरिंग कैपेसिटी जैसे ही पास आएगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उसका डिक्रीज होने लगेगा राइट right? तो इसका मतलब जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ जो है हमारा प्लॉट जो है है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से काफी अलग दिखने वाला है। तो जैसे हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन देखा था ठीक उसी तरीके से देख लेते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन तो अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन हमारा क्या था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन कुछ ऐसा था डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इन टू एन कुछ ऐसा था राइट right? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में चूंकि रिसोर्स अनलिमिटेड थे तो वहां पर हमारा जो रेट था ग्रोथ रेट जो था वो सोल्ली बर्थ रेट और डेथ रेट पे डिपेंडेंट था ठीक है बट यहाँ पर क्या है इस पूरे चीज के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाएगा विच इज रिलेटेड टू द कैरिंग कैपेसिटी और वो एक्स्ट्रा टर्म क्या होगा के माइनस एन डिवाइडेड बाई के तो ये आ जाएगा हमारा एक एक्स्ट्रा टर्म अब इस टर्म को मैं समझाती हूं कि ये टर्म का मतलब क्या है देखो दीज आर ऑल वेरी इजी टू रिमेंबर अगर पूरे चीज को रटने जाओगे तो याद रखना मुश्किल है ऐसे करो पूरा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पहले लिख लिया उसी के साथ ये एक नया टर्म आ गया और इस टर्म में वॉट इज के तो बच्चों के डिनोट्स द कैरिंग कैपेसिटी ठीक है अब एक एक करके ये पूरे टर्म को समझेंगे के है कैरिंग कैपेसिटी तो बच्चों आप मुझे बताओ कि k माइनस एन का मतलब क्या हुआ k माइनस एन का मतलब क्या हुआ k कैरिंग कैपेसिटी है मतलब वो हमारी मैक्सिमम लिमिट है और n क्या है अभी की पॉपुलेशन डेंसिटी तो k माइनस एन मतलब कितने और लोग हाउ मेनी मोर कैन बी एडेड टू द पॉपुलेशन हाउ मेनी मोर मे बी एडेड टू दॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम क्योंकि K मेरा मैक्सिमम लिमिट है N मेरे पास ऑलरेडी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है तो दोनों का जो डिफरेंस है वो ये बताता है कि कितने और हम ऐड कर सकते हैं अब अगर हम बात करें K माइनस एन डिवाइडेड बाई के ये क्या बता रहा है वेरी क्लियरली इट इज टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शन मतलब कितने हम और ऐड कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कैरिंग कैपेसिटी यानी कि फ्रैक्शन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी दैट इज अवेलेबल फॉर फ्यूचर ग्रोथ देखो इसका ना कुछ हम डेरिवेशन कर नहीं रहे हैं बिकॉज दैट इज नॉट देयर एट योर लेवल बट एटलीस्ट ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि ये k माइनस एन बाई के क्या है तो कैरिंग कैपेसिटी है ये पूरा हमको ये बताता है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना फ्रैक्शन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी अवेलेबल है मतलब कहा तक हमारी पॉपुलेशन ग्रो करती है बेसिकली ये वाला जो टर्म है ना ये हमारे पॉपुलेशन को लिमिट करता है ठीक है तो ये जो इक्वेशन है बच्चों दिस इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन जिसे हम जिसे हम वर होल्स पर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं ऑब्वियसली इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट ऑन इट। अब बात आती है कि यहाँ पर हम हमें किस तरह का ग्राफ मिलता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में साफ साफ दिख रहा था हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिल रहा था यहाँ पर इस इक्वेशन को देखो और बता देती हूं मैं यहां पर हमें मिलता है सिग्मोड कर्व और यहाँ पर आपको साफ साफ सिग्मोइड कर्व का एक शेप दिख रहा है और ये शेप हमें ये बता रहा है कि पहले ग्रोथ है बट बाद में जाके एक स्टेगनेंसी आ जा रही है बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी रीच हो जा रहा है इस वजह से फर्दर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के ये जो अलग अलग फेजेस फेजेस हैं हैं इसको अब अब हम डिस्कस करेंगे तो चलो अब देखते इन लॉजिस्टिक ग्रोथ यहां पर साइड में हम लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन को लिख के रखेंगे ताकि इन सारे फेजेस को समझने में आसानी हो तो अभी अभी हमने क्या देखा हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन क्या कहता है डी एन वाई डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इन टू एन और इसके साथ जुड़ आता है k माइनस एन डिवाइडेड बाई k ठीक है ये है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन अब एक एक करके फेजेस देखेंगे तो बच्चों यहां पर तीन फेजेस होते हैं लैग फेज फिर लॉग फेज फिर स्टेशनरी फेज फेजेस के नाम ही इतने मतलब समझ आ जाने वाले हैं कि कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है लैग फेज लैग मतलब पीछे रहना स्लो तो लैग फेज में होता है स्लो ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ग्राफ को देखते हैं ये है हमारा लैग फेज तो ये वाला देखो ये जो लैग फेज जब हो, चल रहा है हमारा तो उस टाइम पे क्या हो रहा है डी एन बाई डी टी की जो वैल्यू है डी एन बाई डी टी क्योंकि इस साइड वाई एक्सिस में क्या है एन और एक्स एक्सिस में क्या है

पॉजिटिव तो है ही बल्कि वैल्यू काफी ज्यादा है ठीक है तो पॉजिटिव भी है ज्यादा भी है अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे लैग फेज हो या फिर लॉग फेज हो इन दोनों ही केस में एन की जो वैल्यू है चाहे लैग फेज़ हो या लॉग फेज हो दोनों ही केस में एन की वैल्यू के से कम है के क्या है कैरिंग क्या कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी से एन की वैल्यू कम है इसका मतलब है फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है अब देखो के की वैल्यू एन से ज़्यादा है लैग और लॉग फेज में तो इस वजह से डी एन वाई डी टी इस इक्वेशन के मुताबिक ये पूरी चीज पॉजिटिव है जिस वजह से डी एन वाई डी टी पॉजिटिव है चूंकि एन की वैल्यू से कम है इस वजह से डी एन बाई डी टी जो है लैग फेज और लॉग फेज में पॉजिटिव है चूंकि पॉजिटिव है उसीलिए ग्रोथ है अब कहीं पे डी एन बाई डी टी की वैल्यू कम है तो स्लो ग्रोथ है कहीं पे ज्यादा है तो रैपिड ग्रोथ है बट ग्रोथ है ठीक है अब जैसे ही हम स्टेशनरी फेज पे पहुँचते हैं तो स्टेशनरी फेज में क्या हो जाता है स्टेशनरी फेज पे पहुँचते ही के की वैल्यू एन के बराबर हो जाती है यानी कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी को रीच कर जाता है जैसे ही K की वैल्यू के बराबर हो गई, तो इक्वेशन में क्या हुआ? K -N 0 हो गया, तो पूरी चीज जीरो हो गई तो यानी कि स्टेशनरी फेज में क्या हो गया डी एन बाई डी टी जो है ये जीरो के बराबर हो गई जैसे ही डी एन बाई डी टी जीरो हो गई स्लोप जीरो हो गया इसका मतलब हमारा ये जो लाइन है ये कैसा लाइन हो गया ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया तो यहाँ पर स्लोप हमारा क्या हो गया जीरो हो गया यानी कि देयर इज नो ग्रोथ एट ऑल कैरिंग कैपेसिटी इज रीच्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज ग्रोथ रेट अब पॉजिटिव नहीं रहा अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट धीरे धीरे जीरो की तरफ आ गया जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है तो अब इन चेंजेस की वजह से ओवरऑल हमारा जो कर, गर, कर, कर्व हमें मिला दैट इज अ सिग्मोइड कर्व और जिसके अंदर ये तीन डिफरेंट फेजेस हमें देखने को मिले एंड दिस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ बच्चों पॉपुलेशन के बारे में तो हमने काफी बातें कर ली अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरैक्शन बिटवीन पॉपुलेशन दो पॉपुलेशन या दो से अधिक पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरक्ट करते हैं एक्चुअली कई तरीके से इंट्रैक्ट करते हैं पॉपुलेशन कैसे एक साधारण सा एग्जाम्पल लेंगे आप सभी ने देखा होगा कि बीज जो है किस तरीके से फ्लावर्स के ऊपर मंडराती रहती है फ्लावर्स के ऊपर आके बैठती रहती है अब देखो बीज का अपना एक पॉपुलेशन है फ्लावर्स का अपना एक पॉपुलेशन है ये दो डिफरेंट पॉपुलेशन है बट ये दोनों देखो आपस में कितने ब्यूटीफुली इंट्रैक्ट करते हैं बीज फ्लावर्स के पास क्यों आती है क्योंकि उनको नेक्टर मिलता है फ्लावर्स क्यों चाहते हैं कि बीज उनके पास आए क्योंकि बीज के आने से उनका पॉलिनेशन हो रहा होता है राइट right? तो दोनों पार्टी को फायदा है है ना तो एक तरीके से देखो दो पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं इंटरैक्ट करना मतलब जरूरी नहीं है कि हाय हेलो कैसे हो भाई बात करना इंटरैक्ट का मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ किस तरीके से यू you नो know, किस तरीके से एक दूसरे के साथ उनकी डिपेंडेंसी बनी हुई है दैट इज इंटरेक्शन ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं राइट जो हमारे लिए अच्छे होते हैं जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं अब ये माइक्रोब्स एक डिफरेंट पॉपुलेशन है हम एक डिफरेंट पॉपुलेशन है बट ये हमारे आपस का एक अच्छा सा यू you नो know, एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन तो चलो अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ही पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में तो इंटरक्शन की बात जैसे ही आती है तो एक साधारण तरीके से सोचो मान लो ये दो बच्चे हैं रिया और रोहन अब ये दोनों आपस में कई तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे को मदद कर सकते हैं हेल्प कर सकते हैं ये एक दूसरे को हार्म कर सकते हैं हो सकता है कि रिया रोहन को मदद कर रही हो लेकिन रोहन जो है वो इनडिफरेंट है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसा हो सकता है कि रोहन रिया को हार्म कर रहा है और रिया रोहन को हेल्प कर रही है ऐसा हो सकता है कि रिया और रोहन दोनों किसी एक चीज़ के लिए कॉम्पीट कर रहे हो कॉम्पिटिशन में हो राइट तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ कई तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से पॉपुलेशंस भी जो हैं वो एक दूसरे के साथ कई वेज में इंटरैक्ट करते हैं तो फिलहाल बच्चों हम जो जो इंटरेक्शन्स पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशंस के वो हैं म्यूचुअलिज्म पैरासिटिज्म प्रिडेशन म्यूचुअल इंटरक्शन जिसमें दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट है इसका एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल तो आप बताओगे मुझे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इस एग्जाम्पल का जिक्र किया था मैंने एब्सोल्यूटली करेक्ट बीज एंड फ्लावर्स बीज का बेनिफिट क्या था उसे नेक्टर मिल रहा था फ्लावर का बेनिफिट क्या था उसका पॉलिनेशन हो रहा था सुपर दोनों के लिए बेनिफिट था एक और एग्जाम्पल जो एकदम रियल लाइफ से रिलेटेड है अगर कभी आप लोगों ने खेत खलिहान देखे हो जहां पे बहुत सारे बफेलोज हों या फिर बहुत सारे काउज हों तो क्या आपने नोटिस किया है कि काउज या बफेलोज के ऊपर आपको अक्सर ही बर्ड्स बैठे दिखते हैं क्या आपको पता है ये भी एक विचुअलिज्म का एग्जाम्पल है वो लोग क्या फायदा है दोनों को बफेलोज के बॉडी के ऊपर जो छोटे 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 कीड़े होते हैं ना बिकॉज अब वो तो यू इस तरीके से स्क्रब घस घस के खुद की सफाई करते नहीं है तो बफेलोज की पीठ के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको ये बर्ड्स खा जाते हैं दोनों का बेनिफिट बर्ड को मिल गया खाना और बफेलोज को, को कोई बंदा मिल गया जो उसके इंसेक्ट्स क्लीन कर रहा है है कि नहीं तो दोनों के लिए हो गया म्यूचुअल बेनिफिट तो इस तरह के इंटरक्शन जहां पर दोनों ही पॉपुलेशन को बेनिफिट हो उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म तो जब भी हम म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं बच्चों तो एक बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का दैट इज लाइकन तो लाइकन जो है ये एक म्यूचुअल एसोसिएशन है बिटवीन फंगाई एंड ब्लू ग्रीन एलगी तो फंगाई और एलगी के बीच में ये म्यूचुअल बेनिफिट का रिलेशन देखो कैसा है फंगाई जो है वो एलगी के ऊपर यू एक लेयर की तरह प्रेजेंट होता है और एलगी को देता है प्रोटेक्शन तो एलगी के लिए क्या फायदा है उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है भाई उसको सिक्योरिटी मिल गया है, है ना अच्छा अब फंगाई के लिए क्या बेनिफिट है अभी अभी मैंने बोला ये एलगी कौन से वाले एलगी है ब्लू ग्रीन एल्गी हैं यानी कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं एग्जैक्टली इनको खाना बनाना आता है यार अगर इनको खाना बनाना आता है तो फंगाई को फ्री फोकट में खाना मिल जाता है तो फंगाई का बेनिफिट यह है कि उसे खाना मिल गया एल्गी का बेनिफिट यह है कि उसे प्रोटेक्शन मिल गया तो इस तरह के म्यूचुअल बेनिफिट वाले जो रिलेशनशिप होते हैं इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं सिंबायोसिस। तो एल्गी और फंगाई के बीच में जो सिंबायोटिक रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं लाइकन। अगला इंटरेक्शन है प्रिडेशन प्रिडेशन में क्या होता है कि एक स्पीशीज जो है वो दूसरे स्पीशीज को अपना खाना बना लेता है फॉर देयर सर्वाइवल ठीक है जैसे कि टाइगर और डियर अब टाइगर को अगर खुद को सरवाइव करना है अपने सर्वाइवल के लिए उसे खाना चाहिए खाना चाहिए तो वो डियर को खा लेता है तो यहां पर एक प्रीडेटर है मतलब जो खा रहा है वो प्रीडेटर है जिसको खा रहा है वो प्रे है ठीक है तो अभी इस केस में अगर आप देखो क्या इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट है बिल्कुल नहीं बेनिफिट किसको है प्रीडेटर को बेनिफिट है लेकिन प्रे को क्या है नुकसान है सो द प्रे इज हार्म तो प्रिडेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करता है दूसरा ऑर्गेनिज्म का नुकसान होता है सो दैट इज प्रिडेशन इसी तरीके से जब हम देखते हैं सारे ऑर्गेनिज्म को जब एक साथ कंसिडर कर लो तो हम देखते हैं कि एक सीरीज बन जाती है एक चेन बन जाती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा होता है फॉर देयर सर्वाइवल और ये जो सीरीज है इसे हम कहते हैं फूड चेन तो जब हम इको वाले लेसन को पढ़ेंगे तो वहां पर हम अपना काफी सारा टाइम स्पेंड करेंगे टू अंडरस्टैंड फूड चेन एंड फूड वेब इन मोर डिटेल बहुत रफ आइडिया देने के लिए अगर बात करें तो जैसे टाइगर डियर को खाता है डियर घास खाता है तो ये एक छोटा सा फूड चेन हो गया राइट तो इसी तरीके से जब आप एक बहुत सारे ऐसे फूड चेन को साथ में मिला लोगे तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन जिसे हम कहते हैं फूड वेब तो बच्चों जैसे ही हम प्रेडेशन के बारे में सोचते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यू you नो know, एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा ले रहा है तो मतलब इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग राइट सोच के ऐसा ही लगता है बट अगर देखा जाए तो प्रिडेशन का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है एक इम्पॉर्टेंस है राइट right? जैसे ही हम अभी मैंने फूड चेन की बात करी थी तो जैसे ही हम फूड चेन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फूड चेन से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और वो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ठीक है कैसे होता है एग्जाम्पल से समझेंगे लेटर सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं ग्रास या फिर प्लांट्स प्लांट्स को खाता है गोट गोट को खाता है टाइगर टाइगर जब मर जाता है तो उसके रिमेन्स को खाता है कौन बैक्टीरिया और फंगाई ठीक है तो ये पूरा मेरा एक फूड चेन हो गया तो इस फूड चेन के हर एक लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं जब हम फूड चेन फूड वेब डिटेल में करेंगे तो ये सारी चीजें करेंगे अब देखो क्या हुआ प्लांट्स जो है ये क्या है ये ऑटोट्रॉफ्स हैं ये अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से तो प्लांट्स ने अपना खाना खुद बनाया तो प्लांट्स के अंदर एनर्जी है अब जब गोट प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो वो एनर्जी गोट में ट्रांसफर हो रही है मतलब उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जब गोट को टाइगर कंज्यूम कर रहा है तो टाइगर में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है जब टाइगर के रिमेन्स को डेड रिमेन्स को डीकेड रिमेन्स को बैक्टीरिया और फंगाई कंज्यूम कर रहे हैं तो उनमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो ब्रिडेशन की वजह से देर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिडेशन ठीक है सबको एनर्जी मिल रही है हर लेवल पे दूसरा टू तो सम एक्सटेंट प्रिडेशन से जो है प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल होता है कंट्रोल में रहता है मतलब अगर ऐसा सोचो कि भाई अगर गोट भी टाइगर भी और बैक्टीरिया फंगाई भी सभी लोग अगर प्लांट्स को कंज्यूम करने लगे तो क्या होगा इन सब के पॉपुलेशन शायद रैपिडली बढ़ते रहेंगे और प्लांट्स का जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली डिक्रीज होता रहेगा लेकिन जब इस तरीके का एक सिस्टम सेट है कि कुछ लोग प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं कुछ लोग वो प्लांट्स कंज्यूम करने वाले लोगों को कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है जो प्रे पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रह रहा है बट अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो तो उस केस में किसी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन भी हो सकता है अगर मान लो जिस वजह से आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से जगहों पे बहुत से जगहों में क्या आजकल ये रूल्स आ गई हैं कि बहुत से एनिमल्स का हंटिंग करना इज़ नॉट अलाउड एब्सोल्यूटली नॉट अलाउड क्योंकि हंटिंग कर करके उनके नंबर को उनके पॉपुलेशन को ऑलरेडी बहुत कम कर दिया गया है अब इसके बाद भी अगर उनको एक्सप्लॉयट किया जाए तो क्या होगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं डायनासोर इज़ वन ग्रेट एग्जांपल, किसी जमाने में बहुत डायनोसोर्स थे अब डायनोसोर्स है ही नहीं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं जा चुकी है राइट तो ये जो है प्रिडेशन का इंपॉर्टेंस है तो दो इंपॉर्टेंस क्या क्या हुआ पहला तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स और दूसरा क्या हुआ टू तो कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन अब भाई मरना किसे पसंद होता है तो ये जो प्रे पॉपुलेशन है ये भी अपनी एंड से पूरी कोशिश करते हैं कि भाई वो अपने आप को किसी तरीके से प्रीडेटर से बचा ले ठीक है तो इसके लिए वो कुछ स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिफेंस मेकेनिजम्स ठीक है तो देखो कभी कभी क्या करते हैं जैसे ही किसी प्रे को आहट होती है उसके प्रीडेटर्स के आने की या उसके प्रीडेटर्स के आसपास होने की तो कई बार वो क्या करते हैं बुशेस के पीछे छुप जाते हैं या फिर जहां पे बहुत बुशी एरिया है उसके अंदर घुस के जाके बैठ जाते हैं ताकि प्रीडेटर्स उन्हें नोटिस ना कर पाए ठीक है हालांकि ये भी जान लो जो प्रिडेटर्स होते हैं ना वो भी एकदम बिल्कुल यू नो अपने आंख कान खुले रखते हैं जहां से जरा से भी आहट हुई वो तुरंत अटैक करते हैं ठीक है शायद आपने कभी डिस्कवरी चैनल पे इस तरह के वीडियोस देखे हो किस तरीके से एक लायन अपने शिकार को पकड़ रहा है या फिर एक टाइगर एक डियर को किस तरीके से अटैक करता है तो अगर आपने देखा हो तो आप देखोगे कि बिल्कुल एकदम एक, एक माइन्यूटेस्ट मूवमेंट भी जो है ना वो मिस होने नहीं देते हैं जनरली ठीक है तो चलो दूसरा एक मेकेनिज्म होता है कैमोफ्लेज कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ ऐसी जगह पे जाके बैठते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जिससे उनके बॉडी का कलर बैकग्राउंड के कलर के साथ ब्लेंड कर जाए जिससे वो कम नोटिसेबल हो जाए फॉर एग्जाम्पल लेटर सपोज कि एक एक इंसेक्ट है जो ब्राउन कलर का है ठीक है तो बहुत नोटिस हो जाएगा, अपने से. लेकिन अगर ये ब्राउन कलर का इंसेक्ट, ट्री के ब्राउन कलर के बार्क के ऊपर बैठा रहेगा तो आप देखो कम नोटिस हो रहा है राइट क्योंकि वो ब्लेंड कर जा रहा है बैकग्राउंड के कलर के साथ तो इसे हम कहते हैं कैमोफ्लेज तो बहुत से प्रे जो है कैमोफ्लेज का यू नो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके उन्हें नोटिस ना कर पाए लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे प्रीडेटर्स भी हैं जो फ्लैच का फायदा उठाते हैं कैसे एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है गिरगिट का गिरगिट या फिर जिसे इंग्लिश में हम कैमिलियन कहते हैं इनके अंदर एक बहुत ही यू नो खास फीचर होती है दैट दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर अब अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये क्या करते हैं जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसा ये अपना बॉडी कलर को चेंज कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या आपने कभी देखा है गिरगिट अगर गार्डन में भी दिख जाते हैं जहाँ पे भी ज़्यादा पेड़ पौधे हो वहाँ दिख जाते हैं इनफैक्ट uh, कुछ जू मैंने तो कई बार इन्हें ज़ू में भी देखा है जहाँ पे यू नो बड़ा सा गिरगिट है एंड इनफैक्ट फॉर दैट मैटर काफी रिसेंटली मैं एक बार माइसोर ज़ू गई थी जहाँ पर मैंने गिरगिट देखा था एंड आई कुड एक्चुअली सी द कैमिलियन चेंजिंग इट्स कलर सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस डेट वीज ठीक है तो ये क्या करते हैं कि जैसे मान लो अगर ग्रीनरी है चारों तरफ तो ये भी अपने बॉडी का कलर ग्रीन कर लेते हैं तो जो प्रे है ना वो नोटिस नहीं कर पाता है कि आस पास उसका प्रीडेटर है और इस चक्कर में वो जो है अपने प्रे पर अटैक कर जाता है ठीक है तो ये कुछ मैकेनिज्म हैं जो प्रे अपने बचाव के लिए यूज करते हैं और कभी कभार प्रिडेटर्स अटैक करने के लिए यूज करते हैं तो अगला इंटरैक्शन जो हम पढ़ेंगे दैट इज पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहता है और अपना खाना उसी ऑर्गेनिज्म से डिराइव करता है ठीक है, इट्स दैट्स पैरासिटिज्म अब ये जो ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरों की बॉडी में रहता है उसे हम कहते हैं पैरासाइट और जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो रहता है उसे हम कहते हैं होस्ट याद कैसे रहेगा होस्ट का मतलब क्या होता है जैसे कोई आप अगर किसी के घर पर डिनर पर जाते हो तो आप क्या हो गए गेस्ट जिसके घर पर आप जा रहे हो वो क्या हो गया होस्ट मतलब जिसके घर में कोई आता है दैट पर्सन इज़ होस्ट तो यहाँ पर भी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ऑर्गेनिज्म रहता है वो ऑर्गेनिज्म हो गया होस्ट और जो रहता है जाके दैट इज़ पैरासाइट ठीक है जनरली ऐसा देखा गया है कि जो पैरासाइट्स है वो अपना फूड न्यूट्रिशन सब कुछ होस्ट से डिराइव करते हैं और होड को होस्ट को नुकसान भी पहुंचाते हैं पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं एक्टो पैरासाइट्स एंड एंडो पैरासाइट्स एक्टो पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी पे रहते हैं लेकिन वो बॉडी के सरफेस पे रहते हैं ठीक है और सरफेस पे रह के ही वो अपना फूड डिराइव कर लेते हैं होस्ट से बेहतरीन एग्जाम्पल है लाइस जू पता होगा ना बहुत बालों में जू लग जाते हैं बहुत से लोगों के खुजली होती रहती है सो व्हाट इज दैट जू जू जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कहीं नहीं घुसता है वो हमारे यू नो सरफेस पे रहता है सर के ऊपर ही रहता है राइट तो मतलब बालों के अंदर रहता है बट इट डजेंट गो इनसाइड आवर बॉडी तो यानी कि ये जो है अपना न्यूट्रिशन बॉडी के ऊपर के सर्फेस के ऊपर रह के ही डिराइव कर लेते हैं ठीक है आ, दूसरा एग्जाम्पल दैट आई कैन थिंक ऑफ इज कुस्कुटा प्लांट कुस्कुटा प्लांट जो है ना ये क्या करता है नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं इन्हीं के ऊपर जो है ना वो इस तरीके से रहते हैं मतलब वो प्लांट बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं। उनके सरफेस पे ही रहते हैं बट सरफेस पे रह के वो न्यूट्रिशन अपना डिराइव कर लेते हैं उन प्लांट से ठीक है क्या आपने कभी देखा है पिक्चर को ध्यान से देखो देखो ग्रीन कलर का जो है वो मेरा प्लांट है और ये जो येल्लोविश टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे पतले पतले थ्रेड के जैसे प्लांट के ऊपर तो दैट ऑज नथिंग बट कुस्कुटा तो इनफैक्ट घरों में या घर के छोटे गार्डन में भले आपको ये ना दिखे जैसे मैंने इसे देखा है जब एक बार मैं लाल बाग गई थी बैंगलोर में सो इट इज लाइक अ वेरी बिग बोटेनिकल गार्डन तो इस तरह के अगर कभी पार्क्स या गार्डन में आप जाओ तो आप देख मतलब ध्यान दे सकते हो हो सकता है आपको भी कभी दिख जाए ये बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं कि यू नो इसके ऊपर ऐसे थ्रेड थ्रेड जैसे ही ना वो ऐसे, ऐसे 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 होंगे बट वो ऊपर ही रहते हैं सरफेस पे रहते हैं सरफेस पे रह के ही अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं तो ये एग्जाम्पल्स हैं एक्टो पैरासाइट्स के अब एंडो पैरासाइट्स एंडो का मतलब ही होता है अंदर तो ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और फिर अपना न्यूट्रिशन ऑब्वियसली डिराइव करते हैं जैसे कि इनसाइड द इंटेस्टाइन जो कीड़े होते हैं ना बहुत बार आपने सुना होगा छोटे बच्चों के केस में स्पेशली कि पेट में कीड़े हो जाते हैं ऐसे बोलते हैं आमतौर पे लोग कि पेट में कीड़े हो गए हैं तो बच्चा कुछ खाना नहीं खा रहा है या फिर बच्चा खाना खा रहा है बट वो उसकी बॉडी में नहीं लग रहा है दैट इज़ बिकॉज जो खाना आप खा रहे हो ना उस खाने में से काफ़ी सारा न्यूट्रियट्स जो है ना वो वॉम्स लेके चले जा रहे हैं वो कीड़े लेके चले जा रहे हैं तो डॉक्टर्स तब कीड़े कीड़ों को खत्म करने की दवाई देते हैं छोटे बच्चों में राइट सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट जो हमारे बॉडी के अंदर के अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं इसके अलावा मलेरियल पैरासाइट मलेरिया हमने पढ़ाई है जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ रहे थे तो मलेरियल पैरासाइट जो है वो भी हमारी बॉडी के अंदर रहता है और हमारी बॉडी में रह के वो पैरासाइट जिंदा कैसे रहता है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में से मिल जाता है तो पैरासिटिज्म जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और टाइप का पैरासिटिज्म होता है जिसे हम कहते हैं ब्रूट पैरासिटिज्म तो ब्रूट पैरासिटिज्म में कुछ ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है मजे की बात है राइट सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कुकू और क्रो का ठीक है कुकू और क्रो ये दोनों ही बर्ड्स पता ही है आप सभी को दोनों ब्लैक कलर के होते हैं तो जब कुकू अपने एग्स ले करता है तो कुकू के एग्स और क्रो के एग्स काफी रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से अब कुकू क्या करता है अपने एग्स ले करता है और उसके बाद उन एग्स को क्रो के नेस्ट में जाके छोड़ाता है यानी कि वो अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी क्रो को दे देता है ठीक है अब देखो क्या होता है अब दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं अब क्रो के नेस्ट में कुक्कू के भी एग्स है क्रो के भी एग्स हैं चूंकि दोनों एग्स काफी रिजेंबल कर रहे होते हैं तो कई बार जो है जो होस्ट है यानी कि जो क्रो है इट कंटिन्यूज टू ग्रो अप बोथ ऑफ देम तो क्रो और कुकू दोनों साथ में जो है पलते बढ़ते रहते हैं जिसे हम कहते हैं को इवोल्व करना मतलब होस्ट और पैरासाइट को इवोल्व कर रहे हैं दोनों साथ में पल बढ़ रहे हैं ठीक है अच्छा दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो होस्ट है ना वो इसे रिजेक्ट करे लेकिन जो पैरासाइट होता है इसके अंदर इस तरह की अडेप्टिबिलिटी होती है कि जैसे ही ये अपने होस्ट से रिजेक्शन एक्सपीरियंस करता है तो ये भी काउंटर मैकेनिज्म थ्रो करता है जिससे ये वहां पर अडेप्ट कर जाता है वहाँ पर रह जाता है छोड़ना नहीं चाहता है ये वो जगह ठीक है तो इसकी वजह से जो कुकु होते हैं ना उनमें कई सारे अडेप्टबिलिटी फीचर्स होते हैं जैसे इनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है यू नो you know, इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी वीक होती है ये लोग काफ़ी सारे सेंस ऑर्गन्स को लूज़ कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग ताकि ये एडजस्ट कर सके अपने होस्ट स्पीशीज़ के साथ ठीक है तो बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस इनमें होते हैं जिन चेंजेस के हेल्प से ये अपने होस्ट के साथ एडजस्ट हो जाता है ठीक है मतलब छोड़ता नहीं है ये ठीक है एक तीसरी पॉसिबिलिटी कई बार ये भी होती है कि जो कुकू है ना वो क्रो के एग्स को थ्रो ही कर देता है टू अवॉइड एनी कॉम्पिटिशन मतलब देखो इट इज़ लाइक कि भाई मेरे बच्चों को भी तुम पालो और तुम्हारे बच्चों को भी मैंने खत्म कर दिया ताकि तुम्हारे तुम अपने बच्चों को ना पाल के सिर्फ मेरे बच्चे पालो राइट सो इट्स समथिंग लाइक दैट ठीक है तो इस तरह के अब ये भी एक तरीके का पैरासिटिज्म है बिकॉज हम हम खुद जाके भले ही नहीं रह रहे हैं होस्ट के बॉडी के अंदर बट एक तरीके से देखा जाए तो हम होस्ट के घर में अपने बच्चों को छोड़ दे रहे हैं पलने बढ़ने के लिए सो दैट इज वाई इट इज़ अ पैरासिटिज्म और इस तरह के पैरासिटिज्म को एक अलग नाम दिया गया है विच इज ब्रूट पैरासिटिज्म तो अगला इंटरेक्शन जो हम अभी देखेंगे दैट इज कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन क्या होता है जैसे लेट्स से कि एक रनिंग रेस है मैं और मेरा कॉम्पिटिटर दोनों इस रेस में पार्टिसिपेट किए हैं तो अब हम लोग दोनों का एम क्या है टू गेट द ट्रॉफी अब उसके लिए जो है ना मैं उससे फाइट कर रही हूं एक तरीके से एज एन मैं पूरी अपनी जान लगा दे रही हूं ताकि मैं जीत जाऊं और वो हार जाए और मुझे वो ट्रॉफी मिल जाए एंड द सेम इज ट्रू फॉर द अदर पर्सन एज वेल राइट तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जो दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो दोनों स्पीशीज होते हैं वो सेम रिसोर्स के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं एंड वॉट वी नोटिस इज कॉम्पिटिशन में द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर दैन द अदर इन प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज मतलब कंपटीशन का मतलब ये है जब भी कोई कंपटीशन होता है तो उसमें से एक विनर होता है मतलब उस समय उस रेस में जो आगे निकल गया दैट दैट पर्सन इज मोर फिट कंपेयर टू द अदर पर्सन फिट मतलब उस सेंस में राइट right? उस समय के लिए वो विनर है राइट right? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ लेट्स से एक लायन है एक टाइगर है लायन और टाइगर दो डिफरेंट स्पीशीज हैं दो डिफरेंट पॉपुलेशन हैं दोनों एक डियर को खाना चाहते हैं तो बेसिकली दे आर कॉम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स ठीक अब आप बोलोगे कि लायन भी तो पावरफुल है टाइगर भी तो पावरफुल है सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कौन सा एनिमल ज्यादा पावरफुल है या कौन सा एनिमल ज्यादा फिट है इट इज मोर अबाउट कि अगर सेम रिसोर्स के लिए दो डिफरेंट स्पीशीज फाइट कर रहे हैं तो इवेंचुअली उसमें से एक उसको हासिल करेगा और दूसरा हासिल नहीं करेगा तो जो हासिल करेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज मोर फिट इन प्रेजेंस ऑफ द अदर वन समझ रहे हो मतलब लॉजिक को समझो ठीक है अब लेंगे एक example. तो example अभी हमने लायन और टाइगर का लिया था राइट right? कि लायन और टाइगर दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे थे फॉर द डियर अब देखो अगर ये कंपटीशन चलता ही रहा होगा क्या इवेंचुअली इवेंचुअली वो डियर या तो टाइगर को मिलेगा या लायन को मिलेगा ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि भाई लायन ने टाइगर को ही खत्म कर दिया मतलब कंपटीशन को खत्म ही कर दिया और फिर उसने डियर को हासिल कर लिया राइट right? तो यहीं पे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं वो कभी भी इनडेफिनेटली को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं हमेशा के लिए वो साथ में कभी भी नहीं रह सकते हैं हो सकता है कुछ टाइम रहे उसके बाद क्या होगा जो इन, जो भी थोड़ा सा इन्फीरियर स्पीशीज़ होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा ठीक है अब आप बोलोगे कि तो इसका मतलब है कोई भी दो स्पीशीज जो सेम रिसोर्स के लिए फाइट मारे क्या वो कभी साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ तभी एग्जिस्ट करते हैं साथ में अगर रिसोर्स पार्टीशनिंग किया जाए मतलब अगर उसी रिसोर्स को वो दोनों स्पीशीज अलग अलग वेज में कंज्यूम करें या अलग अलग वेज में यूज करें ठीक है तो उस केस में भले ही वो कोई कर सकते हैं बट अदरवाइज दो स्पीशीज जो सेम रिसोर्स पर डिपेंडेंट हैं वो को एग्जिस्ट एक साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है एक एग्जाम्पल देती हूँ उसका जैसे हमने डार्विन फिंचस की स्टोरी पढ़ी थी याद है एवोल्यूशन में कितने लोगों को एवोल्यूशन का डार्विन फिंचस वाला स्टोरी याद है और जिसको याद नहीं है वापस जाओ और एवोल्यूशन का वीडियो फिर से देख के आओ ठीक है उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ फिंचस आए थे गैलोपोगस आइलैंड में फिर शुरुआत में वो लोग सीड्स खाते थे धीरे धीरे करके उनका पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि सीड्स कम पड़ने लगे राइट तो यानी कि वो सारे बर्ड्स किसके लिए कॉम्पीट कर रहे थे सेम रिसोर्स के लिए बिच वो सीड उसके बाद क्या हुआ कुछ बर्ड्स ने हालांकि वहां पे सीड्स के अलावा वॉम्स भी प्रेजेंट थे बट सारे खा रहे थे सीड्स अब कुछ लोगों ने बोला कि ठीक है ऐसा करते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेते हैं कुछ लोग सीड्स खाने लग जाओ कुछ लोग वॉम्स खाने लग जाओ तो कुछ बर्ड्स वाम्स खाने लग गए तो क्या हो गया बट गई जनता कुछ लोग अब सीड्स खा रहे थे तो कुछ लोग वॉम्स खा रहे थे तो इनके आपस का कंपटीशन थोड़ा कम हो गया राइट तो ये कोई एग्जिस्ट कर पा रहे थे क्योंकि रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गई हमने रिसोर्सेस सभी थे मतलब वहां पर वॉर्म्स uh, भी प्रेजेंट थे और सीड्स भी प्रेजेंट थे अब इन्होंने बोला कि बांट लेते हैं कुछ लोग सीड्स खाओ आराम से कुछ लोग वॉम्स खाओ आराम से तो किसी को खाना कम भी नहीं पड़ेगा तो इसे कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग ठीक है तो रिसोर्स पार्टीशनिंग से वो को कर सकते हैं बट अगर ऐसा हो कि सभी को वो सेम रिसोर्स चाहिए अगर दो डिफरेंट स्पीशीज को सेम रिसोर्स चाहिए तो वो हमेशा के लिए एक साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं तो अब देखेंगे हम लोग आखिरी इंटरेक्शन विच इज कॉमेंसलिज्म कॉमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होता है लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो ना तो बेनिफिटेड होता है ना ही हार्म होता है मतलब एक को होता है फायदा लेकिन जो दूसरा है उसे ना तो फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है इंटरेस्टिंग राइट right? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं मस्त वाला एग्जाम्पल है सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश का एग्जाम्पल क्लाउन फिश शायद काफ़ी लोगों ने देखा हो फाइंडिंग नीमो जो एक मूवी आई थी काफ़ी पॉपुलर मूवी थी इनफैक्ट मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई थी तो उसमें एक क्लाउन फिश की ही स्टोरी थी चलो एनीवेज तो अभी देखो क्लाउन फिश और सी एनिमल क्या इंटरेक्शन रहता है इनका क्लाउन फिश जो है ना बेचारा छोटू सा फिश है इतने बड़े समुद्र में तो उसे डर लगा रहता है कि कहीं से कोई प्रीडेटर आके उसे खा ना जाए तो अपने प्रीडेटर से बचने के लिए ये क्या करता है सी एनिमोन के आसपास घूमते रहता है सी एनिमोन कैसा होता है सी एनिमोन के पास होते हैं टेंटिकल्स जो मूव करते रहते हैं राइट right, देखो कुछ इस तरीके से तो अब सी एनीमोन्स के मूविंग टेंटेकल्स की, की वजह से नॉर्मली प्रीडेटर्स इसके आसपास नहीं आते हैं तो इससे एक फायदा किसको होता है तो क्लाउन फिश क्या करता है इसके टेंटेकल्स के आसपास घूमते रहता है तो इससे क्लाउन फिश को तो फायदा है क्योंकि इसको क्या मिल रहा है प्रोटेक्शन मिल रहा है अपने प्रीडेटर्स से लेकिन सी एनीमोन को इससे कोई फायदा है कोई मतलब ही नहीं है उसे उसे कोई नुकसान है नुकसान भी नहीं है राइट तो सी एनिमोन को ना तो फायदा है ना नुकसान है लेकिन क्लाउन फिश को फायदा है तो बच्चों अभी तक हमने जितने भी इंटरक्शन देखे चलो फटाफट -फड़ से करते हैं एक क्विक रिकैप तो यहां पर एक प्रोटोकॉल जो हम फॉलो करेंगे जहां पर भी बेनिफिशियल इंटरेक्शन है उसके लिए यूज करेंगे प्लस साइन जहां पर नुकसान वाला इंटरेक्शन है उसके लिए यूज करेंगे माइनस साइन और जहां पर न्यूट्रल इंटरेक्शन है उसके लिए यूज करेंगे जीरो ठीक है तो चलो देखते हैं शुरुआत करेंगे म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म से। आप आप मुझे बताओगे म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के लिए विन विन यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए प्लस प्लस इसके बाद आता है प्रिडेशन एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाएगा यानी कि प्रिडेटर के लिए फायदा एक के लिए प्लस प्रे के लिए नुकसान तो दूसरे के लिए माइनस इसके बाद आता है पैरासिटिज्म पैरासाइट होस्ट के अंदर जाके रहने लगेगा और अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा यानी कि पैरासाइट के लिए फ़ायदा दैट इज प्लस होस्ट के लिए नुकसान यानी कि माइनस इसके बाद आता है कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन दो स्पीशीज एक ही चीज के लिए फाइट कर रहे हैं इसमें फ़ायदा किसी को भी है किसी को भी फायदा नहीं है तो दोनों को ही इसमें क्या है नुकसान ऐसे सोचो जैसे दो प्लांट्स हैं और वो सेम रिसोर्सेज के लिए दो प्लांट्स को बिल्कुल आपने एक ही पॉट पे लगा दिया तो दोनों जो है ना सारे सेम रिसोर्सेज के लिए सॉयल न्यूट्रिएंट्स पानी सनलाइट के लिए फाइट कर रहे हैं तो दोनों को ही थोड़ा थोड़ा नुकसान ही है राइट क्योंकि दोनों के ही अपने हिस्से के जो उनके हिस्से में आने वाली थी वो सारे रिसोर्सेज सामने वाले के साथ बांटना पड़ रहा है राइट तो दोनों के लिए ही नॉट अ विन विन सिचुएशन है ठीक है फाइनली आता है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा है प्लस लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को इनडिफरेंट ना ही फायदा ना ही नुकसान यानी कि जीरो तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन का पूरा चैप्टर आपको हो चुका होगा क्रिस्टल क्लियर और साथ ही साथ ये चैप्टर आपका खत्म भी हो गया राइट तो अगर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर तो क्या करोगे हमेशा की तरह कमेंट्स में लिखोगे यार की कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और वन शॉट वीडियो के साथ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे सेफ टेक बाय बाय